मेरा नाम सुनील कुमार हुआ, मुखिया ग्राम पंचायत राज बछौता जी। तो आप लगातार कई वर्षों से राजनीति में भी हैं और जन सरोकार के निचले धरातल पर भी काम कर रहे हैं, इस बार किन नई योजनाओं का सृजन करने के लिए जनताओं के बीच लगातार आप जा रहे हैं? देखिए, मेरा नाम गरीब गुड़बा के काम से ही जुड़ा है, चूँकि हम धरातल पर काम करते हैं। कोई भी गरीब गुड़बा हो चाहे आम लोग हो, पंचायत के हमारे यहाँ बेधक घर घुसकर काम करवाते हैं। हम विकास किए हैं और विकास के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं। देखिए, मेरा पंचायत वास्तव में शिक्षा से पिछड़ा हुआ था, लेकिन जब हम मुखिया बने 2001 से 6 तक हम मुखिया रहे। जो भी प्राइमरी स्कूल था हम उसको मिडिल स्कूल बनाने का काम किया, ताकि बच्चों को जो है पढ़ने में दिक्कत ना हो, बाहर जाना ना पड़े। उसके बाद खास करके गांव के बेटियों को बाहर जाने में दिक्कत होती थी पढ़ने में। तो हमने अब की बार जब 2016 में मुखिया बना, तो हम अपने प्रयास से मछौता पंचायत में एक हाई स्कूल देने का काम किया, जो अभी हाई स्कूल में नामांकन होकर बच्चे लोग हमारे गांव के पढ़ रहे हैं। सर, प्रतिनिधि देखिए, जनता सब देख रही है कौन शिक्षित है, कौन अशिक्षित है, कौन मने गांव का विकास सोच रहा है, कौन अपने बारे में सोच रहा है, ये सब जनता देख रही है। जनता 3 तारीख को वोट करेगी और शिक्षित उम्मीदवार को ही जिताएगा, जो विकास करेंगे उसको जिताएगा, जो जनता का मान सम्मान और पंचायत का मान सम्मान जिला ही नहीं पूरे बिहार में नाम रोशन करेगा, वैसे पंचायत प्रतिनिधियों को लोग जिताएंगे। अच्छा, बात करते हैं अगर आपके क्षेत्र में आंगनबाड़ी की, तो आंगनबाड़ी में कितनी बदलाव हो पाई है, क्योंकि आंगनबाड़ी मुख्य धरातल का एक केंद्र बिंदु है। देखिए, आंगनबाड़ी हर एक आंगनबाड़ी अब जो है क्या कहते हैं, हाईटेक हो गया है, मैंने डिजिटल हो गया है। आंगनबाड़ी में जो सुविधा बच्चों को या गर्भवती महिलाओं को होना चाहिए वो सुविधा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। हम लोग भी उसमें कोऑपरेशन करते हैं, चूँकि वो बाल विकास परियोजना का जो है अपना योजना है, हम लोग को जहाँ तक होता है उसमें प्रयास करते हैं, लोग खुश हैं आंगनबाड़ी से जी। अच्छा, अगर अभी बात करते हैं जल जीवन हरियाली की और 7 निश्चय योजना में, तो आपके क्षेत्र में कितना प्रतिशत 7 निश्चय योजना में काम हो पाया? जो कुछ लोगों का शिकायत है कि मुखिया जी तो रोड नाला बना दिए, लेकिन पीएचडी विभाग आ करके रोड नाला तोड़ दिया, आप गाली तो मुखिया जी को देंगे, क्या मतलब है? देखिए, गली नली योजना के तहत 7 निश्चय, जो मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना है, इसके तहत पंचायत के विभिन्न वार्डों में, सभी वार्डों में जो है गली में नाली बनाने का काम हुआ, सड़क बनाने का काम हुआ, उसके बाद पीएचडी द्वारा जो है नली का, नल का काम हुआ, जो टंकी लगाने का, तो उसमें जो पाइपलाइन बिछ रहा था तो उसमें जो है मैंने नाला के बगल में, सड़क के बगल में उसको तोड़ करके उसको नाला का पाइपलाइन जो बैठाने का काम किया, जो बहुत जगह पे ठीक किया गया है, कुछ बाकी है जो रिपेयरिंग हो रहा है। तो अभी ठीक नहीं हो रहा, उस वजह से वर्षा का पानी हो जा रहा, लोग परेशान हो रहे हैं। कुछ वार्ड में सर, 15 वार्ड है, एक भिरियाही टोला भी है, एक पुनर्वास टोला है, कुछ टोला ऐसा है जैसे कारोबार टोला है, गाछी टोला है, वहाँ जो है मैंने अभी जो है जल नल योजना का काम नहीं हुआ है, वहाँ भी हम लोग प्रयास किए हैं, जल्द ही वहाँ शुरू होगा, लोगों को शुद्ध पानी मिलेगा, इससे बीमारी दूर भागेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री का जो है ये 7 निश्चय का योजना जो है बहुत ही जन उपयोगी है। अच्छा, अगर बात हम करें खासकर उप स्वास्थ्य केंद्र की आपके पंचायत में, उसकी क्या वास्तविकता हालत है? देखिए, उप स्वास्थ्य केंद्र में क्या होता है आपसे छिपा नहीं है, वहाँ डॉक्टर नहीं बैठते हैं। हम प्रयास करेंगे, अभी तो चुनाव में हैं, हम प्रयास करेंगे कि बछौता पंचायत में जो है स्वास्थ्य उपकेंद्र में जो है कम से कम बीच बीच में भी अच्छे डॉक्टर बैठे, आप रखें, क्योंकि लोगों को बेवजह ब्लॉक जाके परेशान होना पड़ता है। देखिए, 2016 से पहले हम मुखिया नहीं थे, 2001 से 6 तक मुखिया थे, बीच में 6 से 16 तक दूसरा मुखिया थे जी, और उन्हीं के रीजन में पंचायत सरकार भवन बना बछौता में, और पंचायत सरकार भवन जब बना तो एक मुखिया के नाते चाहिए कि जगह ऐसा होना चाहिए जो पंचायत के आम लोगों को, माँ बहनों को वहाँ जाने में दिक्कत ना हो जी, क्योंकि काफ़ी दूर है। हाँ। तो ये जो है पंचायत भवन जो है अपने स्वार्थ के लिए, ताकि कोई वहाँ नहीं जाए, किसी तरह ठेकेदार से मिलकर जो है पूर्व के जो प्रतिनिधि थे वो जो एक प्रकार खाना पूर्ति करने का काम किया, और जिस जगह पंचायत सरकार भवन बना है वहाँ नक्सली क्षेत्र है, वहाँ पानी आ जाता है, पानी डूबा रहता है, वह बना और वहाँ जो है जो असामाजिक तत्व हैं उसको तोड़ तार के ले गया, सिर्फ दीवाल पड़ा हुआ है। हम जब चुनाव जीते हैं तत्काल हम पुराने पंचायत भवन में अपना काम का निष्पादन कर रहे हैं, और अब की बार जब हम चुनाव में फिर चुनाव जीत कर आएंगे तो हम जो है अपने पूरे
जो है सख्ती से हम प्रयास करेंगे कि जहाँ भी है उसी पंचायत भवन को किसी तरह ठीक ठाक करके हम पुनरावृत्ति करके नया ढंग से हम उसको चलाने का काम करेंगे। यही है मेरा ये। बिल्कुल। अच्छा, एक और जागरूकता में जनताओं का एक और भी याचना आपसे व्यक्तिगत बना हुआ है कि इस बार रैनखेत में जो अगलगी का कांड हुआ उसमें बहुत लोगों को मुआवजा नहीं मिल पाया है। हाँ, सुना जाए अच्छी बात ये कह रहे हैं। ये सर पत्रकार भाई, बछौता बहियार में बहुत ही दुखद घटना हुआ, जो किसान भाई अपना खून पसीना बहा करके फसल बोते हैं, कर्जा लेकर के ऋण लेकर के लोग फसल खेती करते हैं, लेकिन जब गेहूँ घर आने का समय था, पकने का समय था, जब अब कटता कल कटता और आज अगलगी का कांड हुआ, तो हम लोग उसमें जो है खगड़िया जिला के जिला अधिकारी से मिल करके बात करके पूरे जितना जिला में दमकल था मंगा कर जो किसान के खेतों में आग बुझाने का काम किया, और जो चिन्हित किसान हैं, जो वास्तव में जिस किसान की क्षति हुई है, उसमें जो है सीओ स्तर से इसकी इंक्वायरी करा करके जिनका जिनका खेत है खेत में खड़ा करके सबको फोटो खिंचवा करके इसका सूची जो है खगड़िया अंचल से अनुमंडल होते हुए जिला होते हुए आपदा विभाग पटना को भेज दी गई है, और जल्द ही तमाम किसान भाइयों को जो है मुआवजा की राशि उनके खाते में चली जाएगी। काम हो रहा है उसका। चलिए, देखिए लोगों को ये जानकारी जरूरी है, क्योंकि लोग मतलब उधर बुन में है कि आखिर कागज कहाँ गया है। नहीं, वो आपदा विभाग में, आपदा विभाग से स्वीकृति भी हो गई, डीएम से हमारी बात हो गई, एसडीओ सर से बात हो गई है, डीएम सर से बात हो गई है, सब लोगों ने आश्वासन दिया है। चूँकि आचार संहिता में कुछ बातें डिस्टर्ब होती है पंचायत में विकास के कार्यों में, चुनाव के तुरंत बाद आचार संहिता जैसे खत्म होगा, हमको लगता है कि तमाम जो किसान जो आहत हुए हैं, जो किसान की क्षति हुई है, जो सरकार का रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से उनको पैसा खाता में जाएगा, 100% जाएगा, गारंटी है सुनील मुखिया। बिल्कुल। अच्छा, एक और बात अंतिम में हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि पुनः सरकार की, नीतीश सरकार की नई नई योजना पंचायत में अब भविष्य में होने की संभावना है, अलग अलग डिजिटल के माध्यम से अलग अलग योजनाएं सृजित होने की संभावना है, जब पुनः आपको जनमत मिल जाता है, तो अभी तक जो योजना सरकार की आपने चलाए, नई योजनाओं पे किस प्रकार का आपका मापदंड बना हुआ, कुछ नई योजना के बारे में आप बताएं जिससे कि युवा खास करके और खास करके युवा महिला जो लड़कियां हैं वो उत्प्रेरण होकर के अपने पंचायत के विकास में अग्रसारित हो सके। देखिए, अभी तो मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना चल रही है, बच्चियां जो पढ़ी लिखी है, मैट्रिक इंटर की है, उसके लिए जो है ट्रेनिंग की व्यवस्था है, वहाँ आप जान रहे हैं, अगर जिस जब तक नौकरी नहीं होता है तब तक उसके भत्ता की व्यवस्था है, सरकार अच्छी अच्छी योजना चलाई है, जो बच्चियाँ जन्म लेती है उसके लिए सुकन्या योजना चल रहा है, जन्म से लेकर के अभी जैसे मृत्यु होता है कबीर अंत्योष्टि के तहत, सरकार को पैसा आने में विलम्ब भी होती है, लेकिन बछौता पंचायत ही एक बिहार में एकलौता पंचायत है कि सुनील मुखिया अगला बार बोला था कि सुनील मुखिया जब जीतेगा तो लास्ट उठने से पहले पैसा हम पहुँचाएंगे, हम जो है अब की बार सर बछौता पंचायत के हिंदू हो, मुसलमान हो, गरीब हो, अमीर हो, जितने लोग की मृत्यु हुई है हम लाश दफनाने से पहले, लाश जलाने से पहले हम वैसे जो मृतक के लाभुकों को, मृतक के जो लाभार्थी को, मृतक के आश्रितों को 3,000 रुपया उसके घर तक पहुंचाने का काम किया। नहीं, जनताओं में इस प्रकार का चर्चा भी है कि कबीर अंत्योष्टि के योजना के माध्यम से 3,000 पैसा शायद मतलब दाह संस्कार से पहले ही मिल जा रहा है, ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है और लोगों को एक आसान रास्ता भी मिला है। जनादेश के लिए अंतिम में क्या याचना करना चाहेंगे? याचना हम जनता मालिक से यही कहना चाहते हैं कि ये मालिक जो जनता होते हैं मालिक होते हैं, मुखिया प्रत्याशी भी हैं, मुखिया भी हैं, मुखिया कुछ लोग बनते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने बनने के लिए, लेकिन हम दो दो बार मुखिया बने हैं, आप पता लगा लीजिए कि हम जनता का एक भी पैसा का दुरुपयोग हमने नहीं किया है, ना किसी से एक पैसा लेना देना है, जो भी काम होता है सरकार का जो योजना है जनता को हम सही ढंग से पहुंचाते हैं, और जनता मालिक से हम आग्रह करना चाहते हैं कि दुनिया डिजिटल चल रहा है, दुनिया जो है हर जगह जो है कंप्यूटराइज हो गया है, आप वैसे मुखिया को बनाए, शिक्षित मुखिया को जो कंप्यूटर की भाषा समझे, वैसा मुखिया को बनाइए जो कि हाईफाई की व्यवस्था को समझे, वैसा मुखिया के बनाए जो कि लेटर चिट्ठी पढ़ सके, वैसा मुखिया को बनाए कि जो गाँव में जो भी बी डी ओ साहब आवें, एस डी ओ साहब आवें, डी एम साहब आवें या मुख्यमंत्री बिहार के हों, उनसे आपकी बातों को उनसे अच्छी तरह के रख सके कि नहीं गरीब गुरबा की ये समस्या है, जो व्यक्ति को लिखने के लिए नहीं आता है वैसे व्यक्ति को प्रतिनिधि बनाने से गांव जो है
पीछे चला जाएगा, गांव जो पटरी पर, विकास की पटरी पर है, वह पटरी से उतर जाएगा। कुछ लोग दारू बांटकर चुनाव जीतना चाहते हैं, वैसे वैसे व्यक्ति से, ग्राम तमाम जनता वासियों से कहना चाहता हूं, वैसे व्यक्ति से सावधान रहे। वैसे व्यक्ति तीन तक आपको गुमराह, जब तक चुनाव 3 तारीख को वोट गिर जाएगा, वैसे व्यक्ति से फिर भेंट नहीं होगी, चूँकि वो सिर्फ स्वार्थ के लिए, चुनाव के लिए अभी दारू दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, जात पात की बात कर रहे हैं, ऊंच नीच की बात कर रहे हैं, किसी के लिए ओछे शब्द की प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन सुनील कुमार ही ऐसा व्यक्ति है जिसको सभी जाति धर्म के लोग हमको सहयोग करते हैं, खास करके माँ बहन का सहयोग मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा है। और सुनील कुमार ही एक ऐसा व्यक्ति है जो पंचायत के किसी भी परिवार के घर में घुस करके किसी भी माँ बहन से डायरेक्ट बात कर लेते हैं, उनका काम का निदान करते हैं। कोई भी माँ बहन मेरे यहाँ फ़ोन करती है कि सुनील तनी आ जाइए मेरे यहाँ, हम वहाँ उनके घर पर जाकर बैठ के उनके समस्या का निदान करते हैं। जनता मालिक से आग्रह यही करना चाहते हैं, अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने गांव के सुरक्षा के लिए शिक्षित उम्मीदवार को जिताएं, दारूबाज उम्मीदवार से दूर रहें हैं। जो रात में दारू बांटते हैं, आपको दिग्भ्रमित करते हैं, वैसे लोगों से दूर रहें। आप सोचें, चूंकि अभी सोचने का वक्त है, 3 तक का समय है, आप सोचें कि आपका मान सम्मान किससे रहेगा, आपके घर का मान सम्मान किससे रहेगा। अभी सबसे बड़ी बात है कि बछौता पंचायत के 90% हमारे जो भाई हैं, जो गार्जियन हैं, जो पिताजी हैं, जो चाचा हैं गाँव के, वो 90% लोग हमारे यहाँ मजदूरी करते हैं, जो बाहर दिल्ली, पंजाब और आसाम चले जाते हैं। और ख़ास करके हमारी माँ बहन गांव में रहती है, उनको ज़रूरत होता है, उनको ज़रूरत होता है, वो दौड़ के हमारे घर आ जाती है। देख लीजिए, हमारे दरवाज़ा पर गेट नहीं है, घुस जाता है घर में और कहता है कि सुनील ये काम होना चाहिए, मुखिया जी ये काम हम करते हैं, बेड पर ही बैठ करके। कोई आफत आता है, अस्पताल हो, श्राद्ध हो, शादी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, एक छोटा छोटा पूजा भी होता है, अगर लोग बुलाते हैं हम दौड़ कर जाते हैं। एक बच्ची फ़ोन करते हैं कि भैया हमको एडमिशन नहीं हो रहा है, हम यहाँ से फ़ोन करते हैं प्रिंसिपल को, जाना पड़ता है तो हम जाते हैं। एक छोटी छोटी बातें जाती आवासीय तक की होती है, आप लोग जानते हैं, ब्लॉक में हम घूमते रहते हैं, वैसे बच्चियाँ बच्चों को टहलते देखते हैं, पूछते हैं बाबू क्या है, तो वो कहता ये अंकल है, उसको कागज़ काम करा के हाथ में दे देते हैं। एक छोटे छोटे बच्चों का अधिकार मेरे ऊपर है, हम मुखिया बनकर नहीं, हम सेवक बनकर काम किया है और सेवक ही रहेंगे। मुखिया एक नौकर होता है, हम पंचायत का नौकर हैं, जनता हमारा मालिक है। जनता से आग्रह है, अच्छे छवि वाले, योग छवि वाले, शिक्षित छवि वाले लोगों को आप चुनाव जिताए, चूँकि दो दो बार जनता हमको मुखिया बनाए और दोनों बार कुछ असामाजिक तत्व के लोग जो समाज विरोधी हैं, दोनों बार हमको, एक बार 302 का जो है मर्डर केस का मुद्दा ले झूठा मुकदमा किया, और अब की बार अपहरण केस का मुकदमा किया, और इस मुकदमा के चलते हमको जेल जाना भी पड़ा। लेकिन गांव के तमाम जनता मालिक जो है पूरे मने तन मन धन लगाकर एक बड़ी जुलूस निकाल कर जो है जिला में जा कर के समर्थन में जो है प्रदर्शन दिया, उसके बाद हम जेल से निकले और आज जनता का सेवा हम कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद।